16 साल पहले, तब से ये किसी तरह से देशघाती कामों में लगा हुआ है। हिंदुस्तान में इन माबेटो या इनके जो दो चार चाटुकार जो आपको फोटो में नजर आ रहे हैं, उनके अलावा आज तक किसी को नहीं मालूम कि उस समझौता ये क्या करके आया था। कि राहुल गांधी के अमेरिका जाने से पहले वो यहाँ पे मिलकर पूरा फीडबैक ले लेना चाहते थे और उनको फीडबैक दे देना चाहते थे। नमस्कार, कैसे हैं आप? राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा से ठीक पहले अब की बार फिर अमेरिकी यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बात की घोषणा उनके अंकल सैम ने किया है, उसी अंकल सैम ने जिसे अभी कुछ दिन पहले इस टिप्पणी पर कि पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब के जैसे हैं, भारत में दक्षिण के लोग अफ्रीकी नस्ल के हैं, ऐसा कहकर राहुल के अंकल सैम ने पूरे भारत को एक तरह से गाली दी थी। उससे पहले हुआ तो हुआ का खेल किया और जब जब भारत तोड़ने का अंकल सैम षड्यंत्र करता है, उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है, फिर कुछ दिनों बाद जोड़ दिया जाता है। जैसे मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री को नाली का कीड़ा, नीच, ना जाने क्या क्या कह के अपमानित करता है, फिर पाकिस्तान में जाकर कहता है इस मोदी से हम सब की लड़ाई है, हम सबको मिलकर इस मोदी को पस्त करना है। 2014 में जब से मोदी केंद्र में आए तब से सोनिया बेचैन है कि उनका बेटा कब पीएम बनेगा। भारत को जाति युद्ध में तब से ढकेलने का की साजिश शुरू हुई। वो कांग्रेस जो हमेशा जात पर ना पात पर की बात करती थी, उसने सबसे पहले दलितों को इस देश में भड़काया आग लगाने के लिए, फिर पिछड़ों की बात हुई, वो सब फेल हुआ तो किसानों का। दरअसल इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटने का खेल फेल हुआ तो भारत को जातियों में बांटने का। कई बार प्रयास जातिगत गृह युद्ध का हुआ, अब सब मिलकर के जातिगत जनगणना के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की, वो सब भी फेल होने लगा तो आरक्षण खत्म कर देगा ये मोदी, ऐसा नैरेटिव चलाया। संविधान बदल देगा ये मोदी, ऐसा नैरेटिव चलाया। बहुत हद तक 24 के चुनाव में इसमें वो सब सफल हो गए। मैं अक्सर कहता हूं कि कल्पना से परे है, यदि मोदी पिछड़ी जाति के नहीं होते, उन्हें खुद बोलना पड़ा कि वो अति पिछड़ी खांसी तेली जाति से आते हैं, तो लोग उन्हें तेली कह के भी चिढ़ाना शुरू कर रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि यदि इस जातिवादी व्यवस्था में मोदी पिछड़ी जाति के नहीं होते तो देश में जातिवाद में बांटने का षड्यंत्र करने वाले इन खिलाड़ियों ने क्या हाल किया होता। अब तो कमाल की बात यह है कि वो लोग जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनके अंदर भी अहंकार हो गया कि मोदी को वही लेकर के आए। एक बहुत बड़े वर्ग को यह भ्रम है कि हमने मोदी को बनाया, और वो भी कहने लगे अब इस मोदी को जाना होगा, अब इस मोदी के चले जाने से ही अच्छा होगा। स्वार्थवश उन्हें लगा कि यदि सत्ता परिवर्तन होगा तो जिस तरह कांग्रेस में खैरात पर कुछ खैराती पलते थे, हम भी खैरात पर पलने लगेंगे, हमारा भी कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा। एक ऐसा वर्ग कि अब वो भी कहने लगा कि हां इस मोदी को अब चले जाना चाहिए। कुछ लोग मोदी को सबक भी सिखाना चाह रहे थे, ऐसा सबक सिखाया कि अब खुद ही रो रहे हैं कि थोड़ा और सबक सिखा दिया होता तो पता नहीं क्या होता। तो आज हम परत दर परत ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग ये कहते हैं कि इस मोदी को अब जाना होगा, यदि सचमुच मोदी चले गए तो, इसीलिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी विरोध के पहले हमें कई हजार बार क्यों सोचना पड़ेगा। इस 10 साल 11 साल में भारत कितना बदल गया, इसके क्या मायने हैं। लेकिन हम इससे शुरू करेंगे कि ये साजिश इतनी बड़ी क्यों है, परत दर परत इसे समझेंगे, तब हम उस पर आएंगे कि आखिर मोदी ने बदला क्या है। सतीश जी के साथ इस बहुत बड़ी गंभीर विश्लेषण हम लोग करेंगे इस साप्ताहिक विश्लेषण में। सतीश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार।
सर आपके गंगाराम बढ़ई ने आज एक घोषणा की तो देश को पता चला कि राहुल गांधी 8, 9, 10 को अमेरिका में होंगे। अब तो ये भी कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष हैं तो जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से गंगाराम बढ़ई ने ये बयान जारी किया, यही वही गंगाराम बढ़ई है जिसने कभी कहा कि हुआ तो हुआ सिख दंगों पे, ये वही गंगाराम बढ़ई है जिसने पूरे भारतीयों को गाली दी थी कि पूर्वोत्तर का भारत चीन की पैदाइश है, दक्षिण वाले अरब के पैदाइश हैं, पूरा पश्चिम वाले जो हैं वो अरब के प्रोडक्ट हैं और दक्षिण वाले वो अफ्रीकी प्रोडक्ट हैं। एक तरह से इससे बड़ी गाली कांग्रेस नहीं दे सकती थी। ये कांग्रेस जो हमेशा से जिसका निर्माण ही अंग्रेजों के एजेंडे के लिए हुआ था, वो धीरे धीरे किस तरह से भारत के पूरे सांस्कृतिक चरित्र को चाट कर रख गई, ये सब समझा। गंगाराम बढ़ई ने घोषणा कर दिया है कि उनका चेला अमेरिकी यात्रा पर है। ये जब जब अमेरिकी यात्रा पे जाते हैं खेल होता है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी भी जाने वाले हैं, अक्सर ये पीएम मोदी के विदेश यात्रा से पहले निकलते हैं और कई बार षड्यंत्र जॉर्ज सोरस के साथ होता है। बहुत कुछ सामने आया, अब तो बांग्लादेशी पत्रकार ने सब खोल कर रख दिया। मैं देख रहा था उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उनने भी किया कि भारत सतर्क रहे। ये राहुल विंची फिर से विदेश दौरे पर है और वो तो अब खैर परत दर परत खोल रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को लेकर के कहा है कि देखिए राहुल विंची यूनाइटेड स्टेट की यात्रा पर हैं। क्या ये सिर्फ खबर है या इसके पीछे कोई जबरा खेल नजर आ रहा है? यात्रा पर मनी जी 8 तारीख को पहुंचेगा, यहाँ यहाँ निकल जाएगा, 5-6 तारीख को यहाँ से बहेगा, 8 को पहुंचेगा, 8, 9, 10 तीन दिन ये इसका वहां कार्यक्रम है जो उसने बताया है बढ़ई ने। और वो उसने मगर आज अभी लोगों को ये नहीं समझ में आया या वो खुद नहीं समझा पाया या बताना नहीं चाहते हैं कि जैसे याद करिए 2008 में ये अचानक जाके वहां पे इन्होंने बताया था कि हम ओलंपिक देखने जा रहे हैं और बाद में फोटो आई कि वहां कोई समझौता करके आया था और इतना शर्मनाक, इतना खतरनाक, देश के लिए इतना घातक समझौता करके आया है कि 2008 से आज 2024 यानी 16 साल हो गए और ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे माँ बेटा और पूरा गैंग कि आखिर वो समझौता है क्या। इतनी बातें हो चुकी, इस देश के प्रधानमंत्री तक टोक चुके लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि ये बताएं कि इन्होंने किस बात पे वहां दस्तखत किए थे। और ये अपने आप में समझ में आता है कि आज से 16 साल पहले तब से ये किस तरह से देशघाती कामों में लगा हुआ है। अन्यथा कोई पार्टी के समझौता होता, कोई पार्टी की गतिविधि होती तो वो बता देता कि हम इस बात का हमारा समझौता था, लेकिन वो कितना गूढ़ और कितना गंभीर है समझौता, इस बात को आप दर्शक इससे समझ सकते हैं कि आज तक हिंदुस्तान में इन माँ बेटों या इनके जो 2-4 चाटुकार जो आपको फोटो में नजर आ रहे हैं उनके अलावा आज तक किसी को नहीं मालूम कि उस समझौता ये क्या करके आया था और आज इसने 16 साल बाद भी नहीं बताया है। अब वही आदमी अचानक चुनाव के बाद ये अचानक इसका 3 दिन का दौरा हो रहा है और ये दुनिया भर से वहां मुलाकात करेगा। तो मनीष जी जरा इस दौरे से पहले की पृष्ठभूमि दर्शक समझे कि अभी हम लोगों ने कल ही या कल या परसों के अपने कार्यक्रम में बात की थी कि यहाँ पर अमेरिकन डिप्लोमेट कितनी जल्दी में आ गए थे कि कहाँ कश्मीर और कहाँ नीचे दक्षिण भारत यानी ऊपर तमिलनाडु केरल तमिलनाडु गए थे, आंध्र प्रदेश गए, तेलंगाना गए और ये एक पार्टी के जो सांसद है असदुद्दीन ओवैसी उससे भी मिले, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मिले, वो जो आपका आंध्र का है स्टालिन से भी मिला, स्टालिन से तमिलनाडु के सीएम से मिला, तो उत्तर दक्षिण मिले और कितनी जल्दी में मिले हैं ये हम लोगों ने जिक्र किया था। उसका राज मनीष जी अब खुल रहा है कि इसका मतलब ये बड़ी प्रीप्लांड पूरी प्लानिंग है और ये आगे कोई बड़ी तैयारी है कि राहुल गांधी के अमेरिका जाने से पहले वो यहाँ पे मिलकर पूरा फीडबैक ले लेना चाहते थे और उनको फीडबैक दे देना चाहते थे। ये अब वो जो उस समय पूरा देश चौंक रहा था कि आखिर ये इतनी जल्दी में क्यों है कि इनके 1 महीने के अंदर इन्होंने पूरा हिंदुस्तान नाप डाला, यहाँ पे राज नहीं को तुम अपना मिलते रहो। लेकिन राहुल गांधी के जाने से 10 दिन पहले उन्होंने पूरा फीडबैक लेकर संभवतः राहुल को दे दिया है और अपने आकाओं को अमेरिका में दे दिया है। और उसके बाद ये आदमी अब ये 8 तारीख को जा रहा है और ये इसने बताया तो है गंगाराम बढ़ई ने कि ये 3 तारीख को आएंगे, लड़कों से मिलेंगे, मैं उसमें स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो वो उन स्टूडेंट से हिंदुस्तान के नेता विपक्ष किस बात के लिए मिलने जा रहा है। और ये मेरे ख्याल से मनीष जी इसकी
अगर आप गौर करिए तो दूसरी या तीसरी इसकी यात्रा है, और हिंदुस्तान में इससे पहले नेता विपक्ष कब इस तरह से अमेरिका के दौरे उसने राजनीतिक उद्देश्य से किए थे, ये भी जरा कांग्रेस बता दे, ये भी जरा कांग्रेस बता दे। तो ये राजनीतिक उद्देश्य से नहीं जा रहा। और इसके अलावा एक जो बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, जो इसने पिछली बार भी किया था और हम लोगों ने मनीष जी उस पर भी कार्यक्रम किया था, तब भी कार्यक्रम किया था और आज संयोग से हम लोग को फिर करना पड़ रहा है, कि ये 8 तारीख को पहुंचेगा, 8, 9, 10 तारीख को वहां पे रहेगा अमेरिका में, और उसके बाद 21 तारीख से 27 तारीख यानी पूरा एक हफ्ता प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में रहना है, और वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम अप्रवासी भारतीय करा रहे हैं जो वहां पर रहते हैं अमेरिका में, ठीक ठाक स्थिति में है, और वो कार्यक्रम 22 तारीख को है, 22 सितंबर को। उससे पहले ये 3 दिन वहां पे मंडराएगा। और आप याद करिए, जब इसकी पिछली यात्रा हुई थी तब भी मनीष जी ये जितने लोगों से मिला था उनमें से आधे से ज्यादा लोग संदिग्ध थे, किसी के लिए कहा गया कि ये ISI से पोषित है, कहीं ISI संबंधित है और जमाते इस्लामी से संबंधित है, और उनकी फंडिंग कहाँ कहाँ होती है, ये बड़ा खुलकर आया था। लेकिन ये उसके बाद आया था जब ये लौटा था, और अब ये फिर वही काम करने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये पूरा एक अमेरिकन प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, और ये पूरा बांग्लादेश दोहराने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अमेरिका बहुत जल्दी में है कि जैसे उन्होंने जनवरी में हसीना बेगम शेख हसीना को जीती वो, और उसके बाद उन्होंने जुलाई में, जुलाई अगस्त 7-8 महीने में उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि यहाँ पर आपका चुनाव गलत था, और अब ये सही आ रहा है, जो जो उन्होंने अपना उल्लू बैठा लिया है वहां पर, वही काम अमेरिका अब वहां से निश्चिंत हो चुका है। तो वो अमेरिका यहाँ पर खेलने की तैयारी कर रहा है, और उसी के तहत ये राहुल गांधी की अचानक यात्रा हुई है अमेरिका की। यानी आज से 10 दिन पहले कहीं किसी को मालूम था कि राहुल गांधी अमेरिका जाने वाला है? ये विदेश यात्राएं बहुत पहले से तय होती हैं, प्रधानमंत्री मोदी की महीनों पहले से तय थी। यानी अगर आप ध्यान करिए तो वो चुनावों के पहले बता रहे थे कि हमको कई जगह के नौते हैं, और उनमें अमेरिका वाले नौते का वो हमेशा जिक्र उन्होंने किया था। तो जो जो बड़े लीडर होते हैं उनके दौरे पहले से तय होते हैं, लेकिन अचानक, और वो भी नेता विपक्ष, तो बड़ी बड़ी साजिश का कोई बड़ा तैयारी कर रहे हैं लोग। और देखिए अभी तो 8, 9, 10 को जब ये मिलेगा, किससे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या एजेंडा होगा, ये तो हम लोग को बात आएगी, हम लोग उसको बात करेंगे। लेकिन अभी ये फिलहाल जो जितनी सूचना हम लोग के पास है वो एक खतरनाक सूचना है और शर्मनाक सूचना है, और ये जाहिर तौर पर ये पिछली बार तो ये नहीं कर पाया था, अब की शायद ये फिर कुछ वहां खलमंडल करने जा रहा है। 21 तारीख से वहां प्रधानमंत्री मोदी का दौरा शुरू हो रहा है अमेरिका का। बिल्कुल, मुझे याद आता है कि जून में पिछले साल भी जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे उससे पहले राहुल का दौरा हुआ था, और आपको याद होगा ये जो उमर खाली जैसे एंटी नेशनल एजेंडे के तहत जो गिरफ्तार गैंग है, प्रधानमंत्री जब अमेरिका में थे तो उसके लिए वहां पर प्रोटेस्ट करवाया गया था, उसके बाद इन पाड़ाओं से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कि 1000 दिन से ये जेल में है, इस पर एजेंडा चलाया गया। अभी देखिए फिर टाइमिंग सेम देख लीजिए कि उमर खालिद के जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, मतलब 1 साल बाद, और 1 साल में उमर खालिद की याचिका को खुद ब खुद उसके वकील सिंघवी ने कई बार वापस लिए। तो इस दौरान जब दोबारा अमेरिका वो जा रहे हैं तो फिर उसकी याचिका यहां, ये एक चीजों को जोड़ना पड़ेगा कि दुनिया में दिखाने के लिए कि अभिव्यक्ति की आजादी भारत में खतरे में है। तो पूरी साजिश, और आपने बहुत बढ़िया ढंग से बताया कि पहले उमर अब्दुल्ला, शेख फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात, फिर वहां चंद्रबाबू नायडू, असदुद्दीन ओवैसी जिसकी औकात सोचिए एक सांसद वाला है, वो स्टालिन से सबसे पहले मुलाकात हुई, इन सब के का निचोड़ लेकर के राहुल गांधी लेकर के एक तरह से जाएंगे। ये खतरनाक खेल उस अमेरिका के माध्यम से जो बांग्लादेश तोड़ा, पाकिस्तान को तबाह किया, तो अब वो उसका पूरा ध्यान जो है हिंदुस्तान की तरफ है कि हिंदुस्तान में कैसे हम तैयारी करें। और ये लगातार इसी बात को संविधान और चुनाव चुनावी प्रक्रिया पे लगातार ये उसको उठा रहे उंगलियां, और देखिए ये जब लौट के आएगा तब ये क्या बकरेगा। बिल्कुल, ये इतनी जल्दबाजी है कि इन्हें लगता था कि अब की बार संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर ये खेल कर देंगे। खेल बहुत हद तक हो भी गया, लेकिन इन्हें था कि 99 सीट हम जीत गए हैं, जोर तोर से सरकार बना लेंगे। लेकिन तीसरी बार जब मोदी सरकार बना लिए तो हताशा और बढ़ गई कि अब 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा, 5 साल में सोनिया और बूढ़ी हो जाएगी, हताशा और बढ़ रही है। इसीलिए क्या मोदी हटाने के बदले भारत की तबाही की बहुत ज्यादा जल्दबाजी है?
बिल्कुल है मनीष जी, क्योंकि आप दक्षिण भारत में देखिए, दक्षिण भारत उन्होंने सबसे ज्यादा समय दिया चंद्रबाबू नायडू को, और वो जो जिसके साथ सांसद हैं वो पवन कल्याण उसको दिया, यानी वो जो दो आदमी है अगर उनको वो दोनों अलग हट जाएं तो आप मोदी सरकार संकट में आ सकती है, तो वो वहां से चोट कर रहे हैं और उन्होंने वहीं से पहली शुरुआत की है, तो आगे खेल क्या होता है अभी देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात होगी। और ऐसे कंडीशन में जब अब की बार मोदी थोड़ा कमजोर होकर के आए हैं, और सबसे हम इस चीज से सर समझने की परत दर परत कोशिश करेंगे कि एक वर्ग जो सोनिया एंड गैंग तो तबाह करना चाहता ही है, लेकिन खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर गजब की बेचैनी है कि मोदी ये नहीं कर रहा, शरद पवार को नहीं निपटा रहा, फलाना को खत्म नहीं कर रहा, राहुल गांधी को नहीं बर्बाद कर रहा है, अब इस मोदी को जाना चाहिए। नहीं, उसी इंडिया इन पर मनीष जी आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात और, दर्शक हमारे सब जागरूक हैं और हमारा यूएस से तो हम लोग के बहुत लोग हैं मेरे ख्याल से, मुझको लगता है अक्सर कि जो अभी ये पूरा जो अभी हम लोगों ने आपको सिस्टम बताया कि अमेरिकन सिस्टम तो यही होना है, थोड़ा आप आगे पीछे कर लीजिए बस, ये एक सूत्री कार्यक्रम पे है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी जो 21 तारीख को जा रहे हैं अमेरिका, वहां पे वो अपनी जो रेगुलर एंगेजमेंट है उन पे तो वो बात करेंगे ही, लेकिन 22 तारीख को जो वो अमेरिकन के सामने बोलेंगे और उसके अलावा वो व्हाइट हाउस में क्या बोलेंगे, व्हाइट हाउस में वो क्या बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब की नरेंद्र मोदी कोई सामान्य यात्रा पे वो भी नहीं जा रहे, और जो बातें हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो बातें वो भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो पिछले 1-1.5 महीने इन यहाँ पे जो अमेरिकी राजनयिकियों ने रायता फैलाया है, कश्मीर से लेकर दक्षिण तक ये दौड़े कूदे हैं, इन सब का पूरा इंतजाम वो लेकर जा रहे हैं, और अब वहां पर वो जिस शैली में बात करके आएंगे उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, कि मेरे ख्याल से अमेरिका से लौटने के तत्काल बाद इन सब पर लठ चलेगा, इन सब पर लठ चलेगा और इनको इनकी औकात बताई जाएगी। बिल्कुल, एक दौर यह भी था सर कि नरसिम्हा राव ने यूएन भेजा था अटल जी को हाँ जब नेता प्रतिपक्ष थे। एक तरीका यह भी था कि, और कहा गया कि उनको सबसे ज्यादा भरोसेमंद वो लगा, अरे लेकिन मैं मनीष जी आपको बीच में रोक रहा हूँ, आप अटल जी को यूएन भेजा था, ये कहीं शादी ब्याह में भेजने लायक नहीं कि अगर कार्ड आ जाए कहीं मेरी जगह तुम चले जाओ ये नाक कटा देगा वहां पे, ये इस लायक है नेता विपक्ष, ये वहां कहीं शादी ब्याह में भेजने लायक नहीं है ये। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि एक स्ट्रेटजी विदेश में, तो कम से कम सर देश में आप राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, देश के बाहर तो कम से कम आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ देश होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी तो अच्छा लगता कि भारत सरकार की तरफ से यदि होता कि राहुल गांधी इस मुद्दे के लिए जा रहे हैं, ये सैम पित्रोदा जैसा खतरनाक आदमी ये कह रहा है कि राहुल जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी के अमेरिका, प्रधानमंत्री के अमेरिका पहुंचने से पहले राहुल गांधी के जाने में आपको इस देश के खिलाफ खतरनाक खेल क्यों लग रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर ये वहां पर कुछ दूसरा इंतजाम बनाने जा रहा है, और ये पिछली बार भी इसी चक्कर में गया था, याद करिए पिछली बार मोदी के जो प्रोग्राम हुआ था उसमें कुछ खालिस्तानी पहुंचे थे, अगर आपको याद हो थे वो 6 ही 7, लेकिन वो पहुंचे थे, और अब की ये जो पहुंचा तो वहां पर अब की जो अमेरिका पूरा अमेरिकन एजेंसी उसके साथ है, और प्लस जो ISI की बात है तो वहां पाकिस्तानी भी रहते हैं मनीष जी, वहां पाकिस्तानी भी रहते हैं, लेकिन बड़े संयोग की बात है कि ये जब जागे हैं या जब ये तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले जो नरेंद्र मोदी का एक ही कार्यक्रम है जहां पर ये कुछ खुराफात कर सकते हैं, बाकी तो जो बातें हैं वो बड़ी कूटनीतिक स्तर पर लड़ी जाएंगी, बड़े हाई हायर लेवल की होगी, वो चाहे जितना ही कोशिश करें उसका जवाब भी उसी तरीके से मिलेगा। जो 22 तारीख का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री मोदी का, तो उसमें मनीष जी उस हाल की कैपेसिटी है 15,000 की, और आपको ताजुब होगा कि वहां 24,000 लोग ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो अब ये वहां कोई ज्यादा घुसपैठ करने की हैसियत में है नहीं, अब तो ये उसी तरह के करेगा, कुछ वहां पे माहौल बनाएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मैंने कहा ना, अब थोड़ा हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा कि 8, 9, 10, 10, 3 दिन ये वहां करके क्या आता है। करके क्या आता है, और इसीलिए ध्यान रखना। मैंने क्यों उमर खालिद की बात की, जब प्रधानमंत्री अमेरिकी यात्रा पर थे ठीक उसी समय यूएपीए में बंद आतंकवाद के केस में बंद इस उमर खालिद के पक्ष में वहां प्रोटेस्ट किया गया जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। कम से कम आपकी लड़ाई देश के अंदर होनी चाहिए, तब समझ में आता है कि मुझे लग रहा है कि भारत सरकार की खुफिया एजेंसी स्वयं अजीत डोभाल इन सब चीजों पे जरूर नजर रखेंगे, ताकि वो तो सब होगा। प्रधानमंत्री की यात्रा से ठीक पहले इस यात्रा के क्या मायने हैं, इस यात्रा के क्या मायने हैं।